समय हो गया है मध्य प्रदेश की खास खबर का, तो नजर डाल लेते हैं इन खास खबरों पर। अभी तक राजनेता ही राजनीति करते थे, लेकिन अब राजनीति में उतर चुके हैं साधु संत, और इस तरह की भाषा का प्रयोग देखने में आ रहा है जो कि हैरान भी कर देगा। मध्य प्रदेश का यह मामला है जहां पर कंप्यूटर बाबा को जूते से मारने का दावा करने के बाद अब विवादों में आ चुके हैं देव मुरारी बापू। आपको बता दें कि भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम संत समागम कार्यक्रम था, और उसके बाद से ही राजनीति शुरू हो गई। राजनीति शुरू होते होते बद जुबानी भी शामिल हो गई। कंप्यूटर बाबा को लेकर काफी नाराज संत है, और ये संत का कहना है कि उन्हें वे जूते से मारेंगे, यानी हिंसात्मक रूप में उतर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वे मेरे साथ गलत कर रहे हैं, यानी देव मुरारी बापू का कहना है कि कंप्यूटर बाबा उनसे बदले की राजनीति करें। हालांकि बता दें कि कंप्यूटर बाबा भी संत हैं, देव मुरारी बापू भी संत हैं, लेकिन संतों के बीच में राजनीति, संतों का काम सत्संग है, संतों का काम समाज को सही दिशा देना है, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि संत का राजनीतिक करियर काफी अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से धमकी दी जा रही है कंप्यूटर बाबा को और इसे राजनीतिक फायदा बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इससे बड़ा सम्मेलन वे कर सकते हैं बिना किसी सरकार की मदद के।